हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर आपको? अभी आ रही है, अभी आ रही है। कितनी बातें करते हैं हम लोग, और बातें करना हम इंडियंस को कितना पसंद है। मतलब कि कमाल कर दिया हम लोगों ने। 20 अरब व्हाट्सएप मैसेजेस हमने भेज दिए हैं न्यू ईयर पे, और कितनी अच्छी बात है। हमें हमको आपस में कनेक्ट रहना चाहिए, और कनेक्ट रहने के लिए बातें करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की बातें हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का एपिसोड टेक खबर का हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप से। नए साल पे हम इंडियंस ने 20 अरब मैसेजेस जो है सेंड करे, जिनमें से अगर पूरे वर्ल्ड की बात करो तो 75 अरब लोगों ने मैसेज भेजे थे, जिनसे 20 अरब जो है इंडियंस ने भेज दिए थे। तो काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ व्हाट्सएप की, तो सबसे बड़ा मार्केट आज की तारीख में इंडिया बन चुका है। 1 बिलियन से भी ज़्यादा ये ऐप डाउनलोड हो चुकी है, और हम इंडियंस को पता है कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। पिक्चर्स भेजनी चाहिए, वीडियोस भेजनी चाहिए, मैसेज भेजनी चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी अपना एक व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ शेयर करूँ। कैसा आइडिया है दोस्तों? आप भी मुझे बताना। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे हम एक ग्रुप बनाएं और उसमें बातें करें, तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं अपना एक नंबर, एक ग्रुप बनाऊंगा, और उसमें हम खूब सारी बातें करेंगे, और शायद भी हम भी एक नया रिकॉर्ड बनाएं। और फटाफट हम अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट खबर जो आ रही है वो आ रही है वोडाफोन से और एयरटेल से। ऐसे ऐसे ऑफर लेके आ रहे हैं जिनको शायद आज की तारीख में मैं तो क्या, आप क्या, मतलब कोई भी इंसान उसको क्यों पसंद करेगा। अभी इनका एक ऑफर आया है कि जे सीरीज के फोन के ऊपर ये आपको 1500 रुपया कैशबैक दे रहे हैं। सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ना दोस्तों। अब उसके पीछे बाउंडेशन सुनिए आप। दोनों दोनों कंपनियां चाहती हैं कि आप 2 साल तक उनसे कम से कम लगभग 5000 रुपया रिचार्ज कराएं। वोडाफोन चाहती है कि 4800 रुपया रिचार्ज कराए, और लगभग 4800 रुपये का, और एयरटेल चाहती है 5000 रुपये का रिचार्ज कराए। उसके बदले एयरटेल क्या करेगी, 1 साल तक जब आप रिचार्ज करा लेंगे तो उसके बदले आपको 300 रुपया कैशबैक देगी। क्या मजाक है, मतलब सीरियसली क्या मजाक है। अरे वोडाफोन ज़्यादा अमीर है, वो आपको 600 रुपये का रिचार्ज मतलब कैशबैक देगा उस टाइम पे। अरे क्या करना है मेरे को। जियो आज की तारीख में इतने अच्छे अच्छे ऑफर दे रहा है कि वो 300 रुपये की शायद कैशबैक की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप 1 साल तक फिर दोबारा से कंटिन्यू रिचार्ज कराते हैं 2500 रुपये का एयरटेल पे, और लगभग इतना ही आप अगर वोडाफोन पे रिचार्ज कराते हैं तो उसके बाद आपको वोडाफोन जो है वो 900 रुपये का कैशबैक और देगा, और एयरटेल जो है आपको 1200 रुपये कैशबैक देगा। इससे बढ़िया आपको मैं एक प्लान बताता हूँ। नेक्स्ट खबर की तरफ हम चलते हैं। एयरसेल ने एक प्लान लॉन्च करा है, और प्लान जो है वो 2018 का। अगर आप रिचार्ज कराते हैं एयरसेल से तो आपको पूरे साल आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, रोमिंग मिलती है, और साथ में रोज 2 GB का आपको डाटा मिलता है। मान के चलिए कि ये प्लान जियो से भी बेस्ट है। करंट अगर मैं सिनारियो देखता हूँ, क्योंकि जियो का जो 2 ही प्लान अवेलेबल है अगर पूरे साल का मैं रिचार्ज कराता हूँ, तो जिनमें से 4999 रुपये का है और एक 9999 रुपये का है। जिसमें 4999 रुपये का जो है उसके अंदर आपको मिलता है 350 GB का डाटा, और जो 750 GB का डाटा आपको मिलेगा 9999 रुपये के अंदर। एयरसेल में अगर मैं देखता हूँ कि 2 GB का डाटा रोज का मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है सिर्फ 2018 के अंदर, तो डेफिनेटली एयरसेल का प्लान जो है वो काफी बेटर है इसके मुकाबले। एयरसेल ने एक और प्लान निकाला है। अगर आप 154 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 1 GB का डाटा जो है रोज मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। तो डेफिनेटली दोनों प्लान काफ़ी अच्छे हैं, और फर्स्ट टाइम मुझे कोई ऐसा प्लान नज़र आया है जिसको मैं जियो से कंपेयर करता हूँ, तो वो थोड़ा सा बेटर मुझे थोड़ा मतलब काफ़ी बेटर मुझे नज़र आता है। तो अगर आप एक एयरसेल यूज़र हैं तो आप इस प्लान के लिए जा सकते हैं। बाकी वोडाफोन एयरटेल जो है वो अभी भी काटने में लगे हुए हैं। कटना नहीं है दोस्तों, साथ में बने रहना है, और ऐसी कंपनियों को अवॉइड करना है। तो जियो बेस्ट है, एयरसेल का भी प्लान काफी बेस्ट है, दोनों के लिए जा सकते हैं। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर आ रही है, मतलब ये इनके प्लान जरा मैं थोड़े से और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइडिया की तरफ से क्या भयंकर प्लान निकाला है। 10 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग आपको मिलेगी, और 1 GB का आपको डेटा मिलेगा। प्लान जो है वो 93 रुपीज का है, और उसके अंदर भी एक कैप है कि आप डेली जो है 250 मिनट बात कर सकते हैं, या फिर आप पूरे हफ्ते के अंदर जो है एक 1000 मिनट बात कर सकते हैं। क्यों चाहिए भाई ऐसा प्लान, क्या कोई दिक्कत हो गई? मेरे को लगता है आइडिया को, एयरटेल को, वोडाफोन को, शायद इनको बातें समझ में नहीं आ रही है। इनको इंडिया के अंदर जिस तरीके का अभी कंपटीशन चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। एयरसेल को थोड़ा समझ में आया है, होपफुली थोड़ा मार्केट और कैप्चर करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरीके की कैपिंग वाली चीज़ें कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अवॉइड कीजिए फिलहाल इनके प्लान को। कोई अच्छा प्लान आएगा तो ज़रूर आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। सैमसंग ने सोच लिया है कि अब की बारी वो धमाके पे धमाके करने वाला है, और अब उसका एक और फोन लॉन्च होने वाला है। अमेजोन पे उसका भी टीजर आ गया। कल मैंने एक फोन के बारे में बताया था, आज मैं दूसरे फोन के बारे में बताता हूँ। फोन है सैमसंग का A8 Plus। अभी 2018 में अभी जनवरी के अंदर टीजर आ गया, लॉन्च होने वाला है। फोन की जो स्पेसिफिकेशन है काफी स्ट्रांग है। 6 इंच के अंदर आपको स्क्रीन मिलने वाली है, 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलने वाला है, 16 मेगापिक्सल के अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। जी हाँ, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो है वो मिलने वाला है आपको।
रेजोल्यूशन जो है 1080x2220 पिक्सल, तो मतलब काफ़ी अच्छे इसके अंदर आपको रेजोल्यूशन मिलने वाला है। स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी इसके अंदर आपको। 4 GB की रैम मिलेगी, एंड्रॉयड 7.1.1 आपको मिलेगा, लेकिन ओरियो के अंदर ये अपडेट हो जाएगा, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो सैमसंग ने सोच लिया है कि काफ़ी सारे ये अच्छे अच्छे फ़ोन निकालने वाले हैं। 16 MP का फ्रंट था, 16 MP का रियर कैमरा है, 32 GB की इसमें स्टोरेज मिलेगी। देखते हैं कब लॉन्च होता है, अमेजोन पे टीजर आ चुका है, जल्दी आपको शायद इसकी खबर मिल जाएगी। बने रहिएगा, मैं आपको इसकी अपडेट भी दूंगा। अगली खबर जो आ रही है वो भी सैमसंग से आ रही है। सैमसंग का J2 जो है 2018 वाला वर्जन, 2017 में अलग वर्जन था, 2018 के अंदर एक और वर्जन आ रहा है, उसकी भी खबर आ गई है कि वो भी लॉन्च होने वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होने वाला है दोस्तों। जो पहले जो फ़ोन आया था उससे लगभग 1500 रुपये महंगा होने वाला है। अभी करंट अगर मैं बात करूँ तो 8,860 रुपये जो उसकी प्राइस जो निकल के आई है, तो पिछली बारी के मुकाबले लगभग 7300 रुपये के आसपास का आया था पिछली बारी, अब की आ रही लगभग 1500 रुपये महंगा आने वाला है। अपग्रेड वर्जन होगा, जल्दी ये भी लॉन्च होगा। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपको 5 इंच की जो है QHD स्क्रीन मिलेगी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। 16 GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलेगी, 8 MP का रियर सेंसर का आपको कैमरा मिलने वाला है, और 5 MP का इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। तो कैमरा ठीक ठाक है, कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक है, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया कि जिस तरीके से 10OD या काफ़ी सारे मॉडल अभी आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा हो गया, इसको तो रिकमेंड करना नहीं बनता है। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फीचर हुई तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। दोस्तों लुटी पिटी कंपनी से एक खबर आ रही है, HTC से, समझ ही गए होगे आप जिसका नाम है। फ़ोन पे फ़ोन लॉन्च कर, मतलब एक हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इस कंपनी की। फ़ोन पे फ़ोन पिट रहा है, कंपनी की हालत ख़राब है, लेकिन हार नहीं मान रही। इस तरीके के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। नया फ़ोन इनका आ रहा है, बिल्कुल देखने में तो ऐसा लग रहा है कि iPhone 10 जो है उसकी लगभग कॉपी है। बेजल डिस्प्ले मिल रहा है इसके अंदर, देखने में ऐसा भी लग रहा है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर शायद नहीं होगा, क्योंकि कहीं स्पेस तो नज़र नहीं आ रहा है पूरी स्क्रीन के अंदर, शायद या तो पीछे होगा। जहां तक मेरा आइडिया है इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं आने वाला है। फ़ोन की स्पेसिफिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 845 जो है क्वालकॉम के साथ, स्नैपड्रैगन के साथ आ रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन इसी होने वाली है। अगर ये एक सॉलिड प्राइस पे इंडिया के अंदर आता है, डेफिनेटली मैं तो कहता हूँ अगर ये 50,000 के आसपास भी आता है तो इट्स अ मस्ट बाय फ़ोन होगा। HTC के फ़ोन कभी ख़राब नहीं रहे दोस्तों, मुझे HTC से कोई शिकायत नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है फ़ोन की, ऐसे कोई मतलब कंप्लेंट वाली चीज़ नहीं है। बट किस्मत है कभी साथ नहीं देती है, तो नहीं चल रहा था और फ़ोन के प्राइस थोड़े ज़्यादा होते थे, बट होपफुली क्या पता इससे बैक करे। बाकी इतना कॉपी कर दिया कि 3.5 mm जैक शायद इसके अंदर भी नहीं मिलने वाला है। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर आ रही है हमारे OnePlus 5 से। मुझे तो इस फ़ोन से थोड़ा बहुत शिकायत होने लगी है। वैसे मुझे OnePlus 5 से काफ़ी, मतलब OnePlus जो कंपनी है मुझे उससे काफ़ी प्यार था, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये कंपनी जब आई थी तो ये फ्लैगशिप किलर बन के आई थी? जब OnePlus 1 जब लॉन्च हुआ था 18,000 रुपये का वो फ़ोन लॉन्च हुआ था, जब OnePlus 3 लॉन्च हुआ, OnePlus 3T जो लॉन्च हुआ वो 25,000 की रेंज में चला गया, जब OnePlus 5 आया तो 32,000 रुपये में चला गया, OnePlus 5T आया तो 38,000 रुपये में चला गया। क्या मतलब कि फ्लैगशिप किलर से बनते बनते फ्लैगशिप ही बन गए भैया आप तो? 40 अगला फ़ोन क्या 50,000 रुपये में लॉन्च करोगे? आप एक फ़ोन लॉन्च करते हो और एक फ़ोन के अंदर आप ऐसा कमाल करते हो कि जो इंसान खरीदता है वो थोड़ा थोड़ा पछताना शुरू कर देता है कि अभी 5T आया, एक महीने पहले 5T आया है, ब्लैक वेरिएंट जो आया था इनका मिडनाइट ब्लैक, उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर इन्होंने सैंडस्टोन ले लो, इसके बाद लावा रेड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, स्टार वॉर्स वाला कनेक्शन क्या चल रहा है? मतलब कि अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो इंसान यही सोचता रहेगा कि थोड़ी देर और रुक जाऊँ। इस तरीके की पॉलिसी मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। अगर आपकी भी सेम शिकायत है OnePlus से, OnePlus मुझे बहुत पसंद है, जब OnePlus 1 आया था, अगर काश ये इसी रेंज के अंदर 18 से 25 के बीच में अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लाते रहते तो हम सभी को बहुत पसंद आता। ये पॉलिसी थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रही है। आज मैं थोड़ा सा आपसे ज़्यादा बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से बातें करके अगर हम टेक न्यूज़ देंगे तो शायद हम ज़्यादा एक दूसरे से एंगेज कर पाएंगे। तो OnePlus के बारे में आपका क्या ख्याल है ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे लिख के बताइएगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर है ये जो नेक्स्ट खबर है। 10OD जो है कल से Amazon के ऊपर बिक्री के लिए तैयार है, तो मतलब कल 12 बजे से जो है फ्लैश सेल स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको खरीदना है, इंडिया के लिए बना हुआ फ़ोन है, इंडिया में बना हुआ फ़ोन तो नहीं बोलूँगा, इंडिया में असेंबल्ड फ़ोन है, कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये अकेला ऐसा फ़ोन है जो Redmi 5A को टक्कर देता है, और मैं तो कहता हूँ उससे कुछ आगे भी जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, Amazon का ये प्रोडक्ट है। Amazon, अगर आप Amazon के प्राइम मेंबर है तो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिलने वाली है, यानी कि अगर आप 1 साल की वारंटी तो फोन के साथ मिल ही रही है, बट अगर आप प्राइम मेंबर है Amazon की तो 1 साल की आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाएगी। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम ही होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। फोन के अंदर आपको मिलने वाला है 7.1.2 नोगा, जो कि डेफिनेटली ओरियो के अंदर ही अपग्रेड हो जाएगा, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ।
इसके अंदर आपको 5.2 की आपको HD की स्क्रीन मिलने वाली है, 425 स्नैपड्रैगन का आपको प्रोसेसर मिलने वाला है, इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, 5 मेगापिक्सल के इसमें आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, 2 GB और 16 GB का एक वेरियंट आएगा और 3 GB और 32 GB का एक वेरियंट आएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, 3500 mAh की बैटरी है, दमदार, मतलब कि 4999 में आपको 2 GB 16 GB मिलेगा और 5999 रुपये के अंदर आपको 3 GB 32 GB का मॉडल मिलेगा। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आप अपने लिए लेना चाहते हैं ले सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगली खबर की अगर बात करूँ तो Honor View 10 अब इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है। इसके अंदर 2 रियर कैमरे हैं, 6 GB की रैम है और जो प्राइस है वो 29,990 है। 29,990 के अंदर ये एक अच्छी डील है दोस्तों, क्योंकि ये जो अदर कंट्रीज के अंदर इससे काफ़ी महंगा लॉन्च हुआ है, 38,000 या 40,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है, तो काफ़ी मेरे लिए भी चौंकाने वाली खबर है कि 29,990 के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है। और Honor ने अब ये सोच लिया है कि इंडिया की मार्केट को भी वो स्ट्रांगली कैप्चर करने वाले, इसलिए किलिंग प्राइस के ऊपर ये फोन को लॉन्च कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशन की अगर इसकी बात करूँ तो इसके अंदर आपको 5.99 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है, 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, 1080x2160 का पिक्सल मिलेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिक्सल है, अच्छी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है स्क्रीन के अंदर, 4 GB की रैम मिलेगी, एंड्रॉयड 8.0 इसके अंदर आपको मिलने वाला है, 64 GB की इसके अंदर स्टोरेज मिलेगी और 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 3750 mAh की बैटरी है। फ़ोन देखने में बहुत ही अच्छा है और लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, Honor के फ़ोन अब काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलने वाला है, 3750 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगी, दमदार स्पेसिफिकेशन है, अगर 30,000 का बजट है तो इस फोन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आज की तारीख में 30,000 के अंदर तो बहुत सारे फ़ोन अवेलेबल है जो 30,000 तक जा रहे हैं, तो काफ़ी सारे फ़ोन हैं। कभी आप अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं बताऊंगा 30,000 के अंदर बेस्ट फ़ोन कौन कौन से हो सकते हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं। अगली अगर खबर की बात करूँ तो वो आ रही है सैमसंग से। सैमसंग ने 9,500 रुपये के अंदर अपना एक 4G टैबलेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। दोस्तों टैबलेट आप यूज़ करते हो अभी, स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसके अंदर स्टूडेंट्स को लेके मतलब बच्चों को लेके इसके अंदर एक अलग से लॉक भी दिया गया है, बट टैबलेट अब थोड़ा सा कम बिकना शुरू हो गया इंडिया के अंदर, बट अब सैमसंग ने काफ़ी सारा अब सोच लिया है कि इंडिया के अंदर लॉन्च मुझे करनी है, तो टैबलेट 4G लॉन्च हो गया 9,500 रुपये का। अमेजन इंडिया पे अवेलेबल रहेगा, ब्लैक और व्हाइट दो कलर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, और अगर आप रिलायंस जियो के अगर आप यूजर है तो 2,000 रुपये इसके अंदर आपको कैशबैक भी मिलने वाला है। आखिरी खबर की मैं बात करूं दोस्तों, अगर आसूस के ZenFone खरीदने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 3,000 रुपये का इसके अंदर ड्रॉप डाउन आया है, प्राइस जो है कट गया है, 3,000 रुपये नीचे हो गया है, तो अच्छी खबर है। तो दोस्तों ये थी आज की टेक खबर, उम्मीद करता हूँ आपको टेक खबर पसंद आई है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बटन है यहाँ पर नीचे ही बटन है उसको आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बिल्कुल बाजू में जो है बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।